हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम वैल्यू पुटिंग का यूज़ करना देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ वैल्यू पुटिंग यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, वैल्यू पुटिंग का यूज़ अपन किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। बस कंडीशन, अपन को दो कंडीशन याद रखनी, एक तो 0.0 या फिर 1/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, और दूसरा मैथमेटिक्स की जितनी भी कंडीशन रहती है वो वेरीफाइड रहनी चाहिए, मतलब वो गलत सिद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस यही दो कंडीशन का यूज़ करके अपन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में अपन को दिया है क्या, एक एक्सप्रेशन दिए, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसमें कितनी इक्वेशन दिख रही हैं आपको, तो इसमें दो इक्वेशन दिख रही हैं, मतलब दो वेरिएबल दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, एक्स को जीरो पुट कर दिया, एक्स को जीरो पुट कर दिया। एक्स को जीरो पुट करते ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये पूरी इक्वेशन खत्म हो गई। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, 1/a² माइनस 1/a², दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या किया मैंने, एक्स को जीरो पुट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब मैं यहाँ पे पी को जीरो पुट करने की सोचूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 1/0 बन जाएगा, जो कि बनना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये नीचे से जीरो हो जाएगा, ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, जो भी नहीं हो सकता, होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है। तो अपन क्या करेंगे, पी को 1 पुट कर देंगे, p=1। पी को 1 पुट करते ये हो जाएगा 1-1, इधर नीचे 0 बन नहीं रहा, ऊपर 0 बन रहा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसको 1-1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास 1/1+1, जो कि क्या होता है 1/2। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन 1/2 आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 1/2, यहाँ पर आ रहा है 1+3 4, और यहाँ पर आ रहा है 1/4। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, फिर अपने को एक क्वेश्चन दिए और अपन को सॉल्व करना है। वेरिएबल दो है, देखिए वेरिएबल दो है अपने पास, इक्वेशन एक है। अब एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल निकाल सकती है, दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, बी को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लिया, मैंने बी को मान लिया 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, a=1 आ गया, बी को 0 पुट करने पर। बी को 0 पुट किया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म हो गया। अपने पास क्या बचा, a=1 था, 1-1 क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ही, एक इक्वेशन ये। ठीक है, वो वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4 वेरिएबल है। तो मैंने दो को कुछ भी मान लिया, बी को 0 मान लिया, डी को 0 मान लिया। तो अपने पास क्या आ गया, a²=2 और c²=1। ठीक है, बी और डी को 0 माना मैंने, तो डी को 0 ये खत्म हो गया, बी को 0 ये खत्म हो गया, मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन खत्म हो गई। ए और सी दोनों कुछ नहीं माना, बी को और डी को दोनों को 0 माना। तो अपने पास काय की वैल्यू निकालनी है अपन को, ए और सी को होल स्क्वायर की, मतलब a²(c²). a² क्या है अपने पास, a² की वैल्यू 2 है और c² की वैल्यू 1 है, तो 2×1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फिर अपने पास एक इक्वेशन है और अपने पास वेरिएबल तो है, तो अपन किसी को एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने बी को फिर 0 पुट कर दिया। 0 इसलिए पुट करते हैं अपन, क्योंकि 0 पुट करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, a²√a हो जाएगा प्लस a²√a हो जाएगा, मतलब यहाँ से आ गया अपने पास 2a=1 और a=1/2। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या है इसकी वैल्यू, ये तो 0 हो गया, बी को 0 पुट कर दिया अपन ने। तो अपन से पूछा 1-a², ए अगर 1 है तो a² कितना हो जाए, a²(1/2) है। ठीक है, a²(1/2), a²(1/2) है, तो a² कितना हो जाएगा, 1/4। 4-1 क्या हो जाएगा, 3/4। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कितनी बड़े बड़े कैलकुलेशन आप क्वेश्चन अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मुझे दो एक क्वेश्चन दिख रही हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक को 0 पुट कर सकते हैं। एक को 0 पुट कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, 1-p²=2 p²√√3/2। दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो क्या आ गया, 1-p²=3/4। ठीक है, यहाँ से p² की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे सर इसको साइड भेज दें, इसको साइड भेज दें, तो क्या हो जाएगा, 1-3/4, जो कि कितना होगा, 4-3 1/4। p² की वैल्यू अपने पास 1/4 आ गई, और p की वैल्यू निकालना चाहें तो p की वैल्यू आ गई 1/2। अब अपन से पूछा क्या है, ये इसमें ये तो खत्म ही हो गया, क्योंकि q को 0 पुट कर दिया। तो अपन से पूछा है √2p². ठीक है, p² की वैल्यू अपने पास पता है कितनी, 1/4। ठीक है, और एक और है, इसमें क्या बचा, इसमें भी यही बचा, तो इसकी वैल्यू 1/4। यहाँ से ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 1/√1/2, और इधर से बचेगा 1/2। ठीक है, मतलब कि 1/√2 बचा अपने पास, प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, 2/√2, और इस रूट से कट जाएगा, और क्या बचेगा, √2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या दिया अपन को, ए बी और एक्स तीन वेरिएबल दिए अपन को, एक ही क्वेश्चन दिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो को कुछ पढ़ कर कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक को ही पुट करूंगा, उससे काम हो जाएगा। बी को जीरो पुट कर दिया मैंने, बी को जैसे ही जीरो पुट किया यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, ए माइनस ए जीरो, ये खत्म हो गया। ये बचा अपने पास ए स्क्वायर, ए मतलब ये बचा अपने पास ए, और ये यहाँ से ए आ जाएगा प्लस ए, जो कि क्या आ गया टू ए। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास अंडर रूट टू ए, इधर से ये खत्म हो गया, अपन को निकालना है एक्स क्यूब, ये क्यूब रूट है ना, तो अपन को एक्स क्यूब निकालना है, तो एक्स क्यूब कर दो, इधर से ये क्यूब बढ़ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा टू ए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते, अगले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल दें और एक इक्वेशन दिए, तो मैंने किन्नी भी दो वेरिएबल को जीरो पुट कर दिया, मैंने वाई और जेड को जीरो पुट कर दिया, ये खत्म हो गया। अपने पास क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, ठीक है, यहाँ से वाई को जीरो पुट कर चुका हूँ, जेड को जीरो पुट कर चुका हूँ, एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन माइनस टू, इधर से वन बाय टू प्लस का, इधर से वन बाय टू माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू कट जाएगा, वन बाय टू आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन फिर अपन को वो एक इक्वेशन दिए और दो कंडीशन ये दिए, इनको भी ध्यान रखना, और वेरिएबल दो दिए हैं अपने पास, तो अपन क्या करते हैं बी को जीरो पुट कर सकते हैं, अपन ने बी को माइनस फोर रखने से मना किया, अपन जीरो तो रख ही सकते हैं, बी को जीरो रखा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया, ठीक है, ये सब खत्म हो गया। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, ए प्लस फोर और फोर ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आती है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो होता है तो से कंडीशन निकलती है, या तो ये इक्वल्स टू जीरो होगा या तो ये इक्वल्स टू जीरो होगा, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अपन को ये कंडीशन दी है। अगर इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस फोर, जो कि अपन रख नहीं सकते, मतलब ये तो सही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ रहा है ए इक्वल्स टू जीरो, यही सही होगा। ए इक्वल्स टू भी जीरो आ गया अपने पास, बी इक्वल्स टू भी जीरो आ गया, ठीक है, दोनों की वैल्यू जीरो आ गई, तो अपने पास क्या बचा, वन अपॉन फोर की पावर वन वन सेवन माइनस टू की पावर माइनस टू थ्री फोर है, तो अपन इसको अपॉन में ले जाकर टू की पावर टू थ्री फोर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वन बाय फोर को क्या लिख सकता हूँ मैं, टू की पावर टू लिख सकता हूँ, अब वो लोग बिल्कुल लिख सकते हो, और अगर पावर दोनों साथ में रहती है दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाय टू की पावर टू थ्री फोर है ही, और ये कितना हो जाएगा, ये भी टू थ्री फोर हो जाएगा, दोनों ये सेम हो जाएंगे, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा जीरो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया, अगले क्वेश्चन में दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर वन, ठीक है, दो एक क्वेश्चन दिए और अपने पास वेरिएबल कितने हैं तीन, तो अपन एक को जीरो पुट कर देते हैं, इसको जीरो पुट किया, इसको जीरो पुट किया, ठीक है, यहाँ से अपन ने कहा सी को जीरो पुट कर दिया और सी को अकेले को जीरो पुट किया, तो ये सी जीरो खत्म, ये सी जीरो पे खत्म, और ये सी जीरो पे ये खत्म, तो अपने पास क्या आ गया, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, इस चीज़ की वैल्यू ए बी की वैल्यू, इस चीज़ की वैल्यू निकालती है, एलसीएम का लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ए, और ये बचेगा अपने पास वन, ठीक है, वन ए प्लस बी की वैल्यू अपन को पता है क्या है, वन मतलब वन प्लस वन अपने पास ऊपर आ गया, नीचे ए बी, ए बी की वैल्यू अपन को निकालनी है। अच्छा आप लोगों को पता होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी की होल क्यूब कितना हो जाएगा, वन का क्यूब बनी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फोर दिया प्लस थ्री, ए बी की वैल्यू अपन को निकालनी है, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, ये क्या है ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है वन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब बोलो सर ये आ जाएगा माइनस थ्री इक्वल्स टू थ्री ए बी, और यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, ए बी की वैल्यू माइनस वन आ गई, इधर से टू आ रहा है, टू अपॉन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बी ऑप्शन में, कोई दिक्कत। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया अपन को, एक क्वेश्चन दिया अपन को ए प्लस बी प्लस सी इक्व टू जीरो, और एक और एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन को निकाल लिए, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें बी सी को जीरो पुट कर देते हैं, सी को जैसे ही जीरो पुट किया ये खत्म हो गया अपने पास, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी डिफिकल्ट लग रहा, ठीक है, तो बी को क्या पुट कर दिया अपन ने वन, क्योंकि अपने पास एक क्वेश्चन है वेरिएबल तीन है, तो अपन दो को कुछ भी पुट कर सकते हैं, बी को जैसे ही वन पुट किया ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, ठीक है, ए की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इंटू वन, अपन यहाँ से क्या आ रहा है ये भी वन प्लस वन, वन बाय टू कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बी ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया अपन को, ये दिया है ए बी सी तीन वेरिएबल दिख रहा है, अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन दिया अपने पास दो,
दो एक क्वेश्चन दिए तो कुछ भी, वो भी जीरो पुट कर दो। मैंने सी को जीरो पुट कर दिया, सी को जीरो पुट किया, ये खत्म हुआ। ठीक है, सी को जीरो पुट किया ये खत्म हो गया, सी को जीरो पुट किया ये खत्म, सी को जीरो पुट किया ये खत्म। अपन क्या ए बी इंटू ए प्लस बी निकालना, ए बी की वैल्यू क्या है 17, ए प्लस बी की वैल्यू है 17 और ए बी की वैल्यू है 6, तो 17 छक्के 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन गया ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए अपॉन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन ए प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी। एंड दो इक्वेशन दिए अपन को, अपने पास वेरिएबल तीन है तो किसी एक को अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने सी को फिर जीरो पुट कर दिया, सी को जीरो पुट कर दिया, यहाँ से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, और यहाँ से और भी सॉल्व करूँ तो मैं क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू माइनस थ्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री ए बी। ठीक है, ये चीज़ अपने पास आ गई, यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। ठीक है, इसको रख देते हैं अपन, ए स्क्वायर की जगह टू बी रख दिया, तो ये कहाँ से क्या आ गया, थ्री बी स्क्वायर, थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए बी माइनस के साथ, थ्री से थ्री कट गया बी स्क्वायर है, तो अपने पास ए बी इक्वल टू क्या आ गया, थ्री ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपन को निकालना क्या, अपन को ए बी निकालना, क्योंकि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी बच गया। ठीक है, तो आंसर कौन से ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर अपन को तीन एक एक क्वेश्चन दिए, वेरिएबल तीन दिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, सी को जीरो पुट कर सकते हैं, सी को जीरो पुट नहीं कर सकते, सी को अगर अपन ने जीरो पुट किया तो ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, पूरा इक्वेशन क्वेश्चन ही जीरो हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, फिर अपन कुछ करते हैं, ए को वन पुट कर देते हैं, सी को वन पुट कर देते हैं, दो को अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ए को वन पुट कर दिया अपन ने, सी को वन पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या बनाया, बी और सी, यहाँ से बी आ गया और यहाँ से बी आ गया, तो अपने पास क्या आ गया, टू बी इक्वल्स टू माइनस वन आ गया और बी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू आ गया। ठीक है, क्योंकि अपन ने ए और सी को वन पुट कर दिया, बी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू आ गया। ठीक है, यहाँ से ए को वन पुट किया, सी को वन पुट किया, बी की वैल्यू क्या, माइनस वन बाई टू, माइनस माइनस प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और ये वन वन प्लस वन बाई टू अपॉन वन, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से वन बाई टू का स्क्वायर क्या होगा, वन बाई फोर हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से सी का स्क्वायर वन का स्क्वायर बन ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू और ये वन बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू मतलब ऊपर जाकर टू बाई थ्री बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा क्या, माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई फोर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, अब बोलो सर ऊपर जाकर फोर बाई थ्री बन जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे टू और थ्री, थ्री बाई टू ही बचेगा, मतलब टू बाई थ्री बन जाएगा, ये टू बाय थ्री और टू बाय थ्री मिलकर क्या होगा, फोर बाय थ्री, आंसर क्या आ गया, जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया अपन को, ए बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू बतानी है अपन को, तो अपन ने क्या किया, बी को जीरो पुट कर दिया। अगर अपन बी को जीरो पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा सी ए और सी माइनस ए। ठीक है, सी ए और सी माइनस ए, बी को जीरो पुट किया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ से क्या आ रहा है, तो आप बोलो सर यहाँ से आ रहा है सी माइनस ए, ए माइनस सी, लेकिन अपने पास यहाँ से क्या आ रहा है, सी ए, मतलब ये तो मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ से क्या आ रहा है अपन को, ए सी माइनस का और सी माइनस ए, अपन को प्लस का चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ से फिर बी को जीरो, पहले सब में बी को जीरो पुट कर देता हूँ, है ना ये। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा था, अब बोलो सर सेकंड ऑप्शन में आ रहा है ए सी और सी माइनस ए, तो क्या यही अपना आंसर हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर हो गया अपना बी। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर और ऑप्शन में भी सेम आंसर आ रहा होगा तो फिर अपना आंसर ये नहीं हो सकता ना, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है माइनस ए सी, सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस बी सी, अच्छा ये इसमें कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, बी को जगह और किसी को जीरो पुट कर दिया, तो इसको मिटाते हैं, ये क्या है, ए है, ये है ए, जीरो पे हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस बी ए सी, प्लस का ए सी और सी माइनस ए,
ठीक है, मतलब अपन इसमें सी को, अपन ने जो बी को 0 पुट किया था उसको 0 नहीं पुट कर सकते, अपन अब पुट करते हैं सी को 0 पुट कर देते हैं, सी को 0, ये खत्म ये खत्म, ये आ गया अपने पास ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सी को 0 पुट किया, यहाँ से क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से आ रहा है माइनस माइनस ए सी और ए प्लस बी, अपन को तो ए माइनस बी चाहिए, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इसमें सी को 0 पुट किया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ से क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ से आ रहा माइनस ए बी और ए माइनस बी, ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि अपन को प्लस का ए बी चाहिए। ठीक है, यहाँ से 0, सी को 0 पुट किया, यहाँ से क्या आ रहा माइनस का ए बी और ए माइनस बी, इसमें भी सेम आंसर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, इसको अपन चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी 0 ए 0 माइनस का ए बी और ये दिया अपन को बी माइनस ए, अगर इस माइनस को इधर भेजूँ तो ये ए माइनस बी बन जाएगा और ये भी बचेगा, मतलब यही आंसर अपना हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर आए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।